नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गुजरात से वापस लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही अभी तक लगभग 1,00,000 करोड़ से अधिक के एमओयू किए जा चुके हैं साइन। आपको बता दें कि उन्होंने नई दिल्ली में भी प्रेस वार्ता कर कहा कि दिसंबर में आयोजित हो रहे इन्वेस्टर समिट से पहले लंदन, बर्मिंघम और साथ ही दिल्ली, दुबई, आबू धाबी के साथ में चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद में रोड शो आयोजित किए हैं, जिसमें 1,00,000 करोड़ से भी अधिक के निवेश प्रस्तावों के एमओयू हो चुके हैं और जल्द ही मुंबई में भी रोड शो आयोजित हो जाएगा। और साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि अहमदाबाद में 50 से अधिक उद्योग समूहों के साथ में आयोजित हुई बैठक के बाद लगभग 24,000 करोड़ के निवेश करार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में निवेश के लिए माहौल बनाने के लिए नीतियों में बदलाव किया गया है और 6,000 एकड़ का लैंड बैंक भी बनाया गया है। देखिए, चेन्नई में भी काफी सकारात्मक रूप से बहुत सारे जो निवेशक थे, बहुत सारे उद्योग समूह के लोग थे, उन सभी से वार्ता हुई और एक बड़ी राशि निवेश के करार के रूप में वहां भी हमको प्राप्त हुई थी और बड़ा उत्साह चेन्नई में भी लोगों का रहा। और अहमदाबाद गुजरात में चूंकि उत्तराखंड के साथ उनका पहले से ही एक संबंध है, बहुत आना जाना है, चार धाम यात्रा हो, हरिद्वार, ऋषिकेश हो या उत्तराखंड का मानस खंड हो, केदार खंड हो, हर क्षेत्र में लोगों की आवाजाही है। और जो इंडस्ट्री का सेक्टर है, इंडस्ट्री के सेक्टर में पहले से भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और अनेकों क्षेत्रों में उनका पहले से निवेश भी है, उसमें से उन्होंने अपने निवेश को बढ़ाने के लिए भी जो है अपने प्रस्ताव दिए हैं। लगभग 24,000 करोड़ से अधिक के अभी निवेशों पर करार हुए हैं वहाँ पर, और सब मिलाकर अभी अब हमारा 1,00,000 करोड़ के लगभग निवेशों पर करार हो चुका है। तो वहीं हरिद्वार में मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बयान देने के बाद में चर्चा में आए कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष आकिल अहमद ने अपनी नई पार्टी बना ली है। और इतना ही नहीं, उनकी आम इंसान विकास पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की भी तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार के बहादुरबाद में भी जो स्थित एक निजी होटल में पार्टी में कई लोग शामिल हुए। आकिल अहमद ने कांग्रेस और हरीश रावत पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में अब मुसलमानों और दलितों की उपेक्षा की जा रही है, पार्टी अपने मुस्लिम नेताओं से किनारा कर रही है। और साथ ही उन्होंने हरीश रावत पर भी हरिद्वार और देहरादून के मुसलमानों को धोखा देने का भी आरोप लगाया है। हमने कई लोगों को जो है पार्टी संगठन में जो है जिम्मेदारी दी है, अन्य पार्टियों से है, कोई बीएसपी छोड़ के जो है आम इंसान विकास पार्टी ज्वाइन कर रहा है, कोई बीजेपी से छोड़ के जो है आम इंसान विकास पार्टी ज्वाइन कर रहा है, कोई आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस छोड़ के जो है काफ़ी लोग हमारे साथ में आ रहे हैं। और हम लोग तो क्या है, मैंने 16 साल कांग्रेस को दिए, अहमद पटेल जिन्होंने पूरा जीवन अपना कांग्रेस को दिया, आज छत्तीसगढ़ का अधिवेशन देखो या जो है आप राजस्थान में अधिवेशन देखो, एक भी फोटो किसी मुस्लिम लीडर की नजर नहीं आ रही जो है, तो हम क्या कहेंगे जो है। तो वहीं बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दरबार अब परेड ग्राउंड देहरादून में लगेगा। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा इंतजाम और भीड़ प्रबंध के लिहाज से इस कार्यक्रम की जगह बदल दी है। आपको बता दें कि वही जानकारी के अनुसार पहले देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज के फुटबॉल मैदान में ये आयोजन होना था, लेकिन वहां पर कम जगह के साथ में भीड़ ज्यादा होने की आशंका है और सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने जगह का बदलाव भी किया है। अब परेड ग्राउंड में 4 नवंबर को बाबा के दरबार की तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं एमपीजी कॉलेज मसूरी में 7 नवंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव के लिए गुरुवार को कई पदों के लिए छात्रों ने नामांकन पत्र भरे हैं। साथ ही आपको बता दें कि छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिल रहा है। वहीं छात्रों ने ढोल
नगाड़ों के साथ में नामांकन भी किया। और आपको बता दें कि मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर आरपीएस चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्र संघ चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। छात्रों की बात की जाए तो एनएसयूआई के अध्यक्ष पद के दावेदार अक्षत रावत ने भी कहा कि इस बार एनएसयूआई छात्र संघ चुनाव में जीत हासिल कर रहे हैं। और कुछ ऐसा ही दावा एबीवीपी की तरफ से भी किया गया। और आपको बता दें कि 7 नवंबर को सुबह 9 बजे मतदान शुरू होगा, तो वहीं दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा और उसके बाद में 7 नवंबर को ही मतगणना के बाद परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। तो वहीं चमोली में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर समीक्षा की है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने कहा कि बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण एवं सौंदर्यीकरण प्रधानमंत्री के महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल है। श्रद्धालुओं की सुविधा की दृष्टिगत बद्रीनाथ में रात दिन कार्य प्रगति पर है। तीर्थ यात्रियों को आने वाले समय में और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि निर्माणदायी संस्थाओं को भी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखते हुए समय पर सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। और साथ ही कहा कि लूप रोड पर कोबल स्टोन बिछाने का भी काम जो है वो तेजी से चल रहा। और इस दौरान जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ महायोजना के अंतर्गत संचालित रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और साथ ही सिविक एम्यूनिटी सेंटर ISBT और लेक फ्रंट पर जो है काम करने का साथ में निरीक्षण करते हुए जरूरी निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी। श्री बद्रीनाथ धाम में जो मास्टर प्लान के कार्य पिछले कुछ टाइम से चल रहे हैं, उसमें बारिश की वजह से जो थोड़ा काम की प्रगति कम हुई थी, वो पिछले सितंबर अक्टूबर महीने से काफ़ी गति मिली है काम को। हमारे स्तर से भी, शासन स्तर से भी और केंद्र सरकार के स्तर से भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और हमारा यही इसमें उद्देश्य है कि तय समय सीमा में सारे जो कार्य हैं वो पूरे किए जा सकें, और ताकि जो पूरा जो मास्टर प्लान का जो ऑब्जेक्टिव है वो विद इन टाइम कम्प्लीट हो सके।
तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे के लिए जल्द ही उत्तराखंड आने वाली हैं। आपको बता दें कि 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक वो वहां पर रहेंगी और साथ ही आपको यह भी बता दें कि द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड में ही रहेंगी और इस बीच कई कार्यक्रम भी में वो शामिल होंगी और साथ ही पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने आएंगी, जबकि रात्रि विश्राम देहरादून में ही करेंगी। डिनर राजभवन में किया जाएगा, जबकि 8 नवंबर को सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जीटीसी हेलीपैड से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होंगी। यहां पर दर्शन और आरती के बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और साथ ही राष्ट्रपति दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि उत्तराखंड का सौभाग्य है कि 23 सालों में पहली बार कोई राष्ट्रपति उत्तराखंड स्थापना दिवस पर पहुंच रहा है। हम लोग को सौभाग्य की राज्य निर्माण के बाद 23 वर्षों के बाद देश के महान राष्ट्रपति महोदय देवभूमि उत्तराखंड में आएंगे, हमारे उस दिन के मुख्य अतिथि होंगे। पूरी देवनगरी, पूरा राज्य उनके स्वागत के लिए लालायित है और मुझे पूरा विश्वास है आज उत्तराखंड की जो पहचान विश्व पटल पर हुई है उसमें और निखार इस दौरे के बाद आएगा। हम लोगों ने एक मीटिंग अब ले ली है कल और सभी विभागों को लाइन डिपार्टमेंट्स को अवगत करा दिया है टेंटेटिव प्रोग्राम से और सभी डिपार्टमेंट्स अब तैयारी में लग गए। हम लोगों ने एक मीटिंग अब ले ली है कल और सभी विभागों को लाइन डिपार्टमेंट्स को अवगत करा दिया है टेंटेटिव प्रोग्राम से और सभी डिपार्टमेंट्स अब तैयारी में लग गए। लोकसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ समय का वक्त हो लेकिन सियासत एससी और एसटी के मुद्दों के शुरू होते ही नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में एससी एसटी सम्मेलन करने जा रही है। बीजेपी का मानना है कि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से जो विकास की योजनाएं बनाई गई हैं वे जनता तक पहुंचेंगी, इस उद्देश्य से ये सम्मेलन किया जा रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि ये सम्मेलन 19, 20, 21 और 22 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है और इस सम्मेलन में बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और एससी एसटी के सभी जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। साथ ही इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी कहा कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि बीजेपी इस सम्मेलन को क्यों कराने जा रही है, क्योंकि इन वर्गों के लिए बीजेपी के ने कुछ किया ही नहीं है और उन्होंने कई मामलों का हवाला देते हुए कहा इसमें बलात्कार जैसे गंभीर मामले भी शामिल हैं। साथ ही कहा कि इन मामलों में सरकार ने कोई भी कार्यवाही नहीं की और अब जब चुनाव आ रहे हैं तो उन वर्गों की बीजेपी साधने में लग रही है और साथ ही जिनके लिए कुछ किया ही नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा एससी एसटी का जो सम्मेलन कर रहे हैं वो कितना सही है बीजेपी के लिए, क्योंकि क्या किया बीजेपी ने? अभी हरिद्वार में इतनी बड़ी घटना घटी, हमारे एससी के लोगों की मृत्यु हुई मारपीट से, आंदोलन हुआ और प्रताड़ित व्यक्तियों को ही जेल में डाला गया, एक व्यक्ति को तो इतना मारा गया कि वो अस्पताल में मर गया। उसके अलावा मंदिरों में उनको जाने से रोकते हैं तो ये उस समय इनके संगठन कुछ नहीं करते, इन्हीं के संगठन से जुड़ा हुआ आदमी पुरौला गया था। देखिए, केंद्र और प्रदेश सरकार की अनेकों योजना समाज के सबसे गरीब तबके लिए बनी हुई है और समाज के गरीब तबके का नेतृत्व भी भारतीय जनता परिषद दिखाई दे, उनके भी सब प्रकार के संगठन कार्यक्रम में उनकी सहभागिता दिखाई दे, इस दृष्टि से हमारा एक कार्यक्रम है और हमने उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि उनसे जाति से हैं, वर्तमान है, पूर्व हैं, उनके साथ सम्मेलन करने वाले हैं। ऐसी हमारा 21 तारीख को हल्द्वानी में, 22 तारीख को हल्द्वानी में हमारा एक कार्यक्रम होगा। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को होने वाले इन्वेस्टर समिट पर कांग्रेस ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराणा का कहना है कि तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय में ही बहुत जो बढ़ चढ़कर लाखों करोड़ों के एमओयू साइन किए गए थे लेकिन धरातल पर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पहले राज्य सरकार तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से न साइन कराए गए एमओयू को धरातल पर उतारे। करण महारा ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से भारत की कंपनियों को विदेशों से बुलाकर एमओयू पर साइन कराया जा रहा उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि सरकार मात्र दिखावा करने का काम कर रही है और कुछ भी नहीं कर रही।
मैंने बार बार कह रहा हूं कि ये जो त्रिवेंद्र रावत की सरकार में जो हुआ था उसका कॉपी पेस्ट है, उसी तरीके के बयान, उसी तरीके के एमओयू हो रहे हैं। तीन प्रश्न मैंने आपके माध्यम से पूछे थे कि मैकेंजी ग्रुप के बारे में खुल के सरकार बोली, उसको भी इसी काम के लिए लाया गया था, चार महीने हो गए, 2.5 लाख रुपया प्रतिदिन की हैसियत से उनको पेमेंट हो रही है, लेकिन एक काग आगे नहीं बढ़ा। ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी उत्तराखंड में काम कर चुके हैं, जिनके कैलकटा बेस्ड कंपनी है, गाजियाबाद में जिसका हेड ऑफिस है, मनसा देवी में रोपे वाले मामले में उसमें विवाद भी हुआ था, उस कंपनी से लंदन ले जाके एमओयू किया गया, तो ये दिखावा है। और मुझे लगता है कि अपने टोटल फेलियर, चाहे वो केदारनाथ में सोने की चोरी का मामला है, जोशीमठ का शय है, पटवारी पेपर लीक है, भर्ती घोटाले हैं, अंकिता मर्डर केस में वीआईपी का नाम है, इन सब चीज से बीजेपी परेशान थी, और ये चादर डाल के इन्वेस्टमेंट वीट के नाम पर उन सारे मामलों को ढकने की कोशिश मात्र है। तो वहीं दयानंद एग्लो वैदिक पीजी कॉलेज में दीवार गिरने से पिछले दिनों एक युवती की मौत हो गई थी, और तभी दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज के प्रबंधन ने एक 3 सदस्य कमेटी का गठन किया था, जिसमें कॉलेज प्रबंधन ने 21 दिनों के भीतर कमेटी को रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया था। आपको बता दें कि कॉलेज के नवयुक्त प्राचार्य डॉक्टर एसके सिंह ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन ने कमेटी को 21 दिन का समय दिया था, कमेटी जैसे ही अपनी रिपोर्ट कॉलेज प्रबंधन को सौंपेगी उसके अनुसार ही कॉलेज प्रबंधन अपना पूरा कार्य समाप्त करेगा। अभी कुछ जो हमारे मैनेजमेंट समिति है उन्होंने एक कमेटी बना दी थी इसके लिए, जिसको 21 दिन में रिपोर्ट देनी है, रिपोर्ट की प्रतीक्षा है, और जैसी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार हम लोग अपना पूरा कार्य समाप्त करेंगे। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार के लिए फंड परियोजना के तहत डीएवी पीजी कॉलेज में शोध प्रोत्साहन के लिए 60 लाख का अनुदान दिया है। आपको बता दें कि अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना और विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थानों में नई प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचा देना, और साथ ही आपको बता दें कि प्राचार्य प्रोफेसर एसके सिंह ने बताया कि योजना में रसायन, वनस्पति, जंतु एवं भौतिक विज्ञान सहित में गणित और सांख्यिकी विभाग भी शामिल हैं। डीएवी कॉलेज की एक्सीलेंसी का ये भी एक प्रमाण है कि हमारे फिस्ट ने इसको 60 लाख रुपए के अनुदान से नवाजा है। इस अनुदान का उपयोग विज्ञान विभाग जो है, वहाँ विज्ञान संकाय जिसमें हमारे 6 डिपार्टमेंट्स हैं, बॉटनी, जियोलॉजी और हमारे स्टेट डिपार्टमेंट, हमारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, हमारा जूलॉजी डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट्स की जो आवश्यकताएं होती हैं जिनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं, और उनको उच्चीकृत करने के लिए इस ग्रांट का उपयोग किया जाएगा। पौड़ी के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को विधायक राजकुमार पोरी ने बस की सौगात दी है। आपको बता दें कि विधायक ने झंडी दिखाकर बस को रवाना किया, वहीं नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बिनाम ने बस का संचालन शुरू करवाया। इस मौके पर विधायक ने विद्यालय प्रबंधन समिति और विद्यालय के प्रधानाचार्य को बस की चाबी सौंपी। साथ ही आपको बता दें कि विधायक राजकुमार पोरी इस दौरान कहा कि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्यालय में छात्रों को संस्कार युक्त जीवन जीने की शिक्षा के साथ में उत्तम चरित्र और अच्छी सोच का जो है वो निर्माण भी कराती है। और इस मौके पर विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्षता संगीता रावत, कोषाध्यक्ष मातंग मलासी के साथ में प्रधानाचार्य राकेश कुमार नौडियाल मौजूद रहे। दूर से बच्चे आते थे तो उनको कभी कभार लिफ्ट मांग के या पैदल आना पड़ता था, तो अब बस आ गई तो अब बस लगा सकते हैं, धन्यवाद करना चाहेंगे। ये कहना चाहता हूँ जैसे दूर मानने जैसे बच्चे आते तो वो बस में आए, पैदल ना आए।
असल में विद्यालय की बहुत दिनों से डिमांड थी कि बच्चों को आने जाने में यहाँ पर जो बच्चे दूर से आते हैं उनके लिए दिक्कत होती है, समय पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो काफ़ी समय से मांग थी। तो मैंने सोचा कि विद्यालय को वास्तव में इसकी आवश्यकता है, तो विधायक निधि से जो है यहाँ पर शिशु मंदिर विद्या मंदिर विकास मार्ग को ये बस का जो विषय था इसको रखा गया, इसको दिया गया। मैं सर्वप्रथम आप सबका इस बस उद्घाटन के समारोह में धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और विद्यालय की मांग मैं 2017 में इस विकास मार्ग पौड़ी में आया और एक कल्पना थी कि जो हमारे भैया बहन 15 और 20 किलोमीटर दूर से आते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था हो, और बहुत प्रयास किया इसके लिए समाज से भी और अपने जो माननीय विधायक हैं श्रीमान राजकुमार पुरी जी, इनसे एक आग्रह किया। और जो मेरी प्रबंध समिति है और प्रबंध समिति बहुत सक्रिय और बहुत जागरूक है, मेरे साथ में शिक्षक हैं और समाज क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इनके सहयोग से और एक निवेदन विधायक जी से करने पर अपनी अक्टूबर मास में हमने की थी और वर्ष भर में उन्होंने अपना वायदा पूरा किया है। तो वहीं दिवाली में प्रतिबंधित पॉलीथिन पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। पटाखे की दुकान केवल गांधी ग्राउंड में ही लगे, इसके लिए दुकानदारों को उसके मानक पूरे करने होंगे। आपको बता दें कि होटल व्यवसायियों को घरेलू सिलेंडर का उपयोग करने पर कठोर कार्रवाई होगी और आपको बता दें कि अमल में लाई जाएगी। और वहीं गुरुवार को भी पूर्णागिरी तहसील में SDM आकाश जोशी के पुलिस नगर पालिका और व्यापार मंडल के साथ में बैठक की गई। SDM ने बताया कि दिवाली को देखते हुए अधिकारियों संग चर्चा भी की गई है। आज एक पुलिस विभाग राजस्व विभाग और व्यापार संघ के साथ बैठक रखी गई थी। बैठक में उनको अधिकांश संज्ञान में आया था कि तो प्रतिबंधित पॉलिथीन इत्यादि के उपयोग के बीच के संबंध में चिटाया गया और साथ ही डोमेस्टिक ना यूज करने के संबंध में। इसके अलावा दिवाली के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलवाने के लिए तो वहीं देहरादून नगर आयुक्त मनोज गोयल ने भी बताया कि सिटी को स्वच्छ सर्वे की रैंकिंग में अव्वल आने के लिए नगर निगम की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं और इसके तहत सबसे पहले नगर निगम ने समय पर कूड़ा उठाना और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन पर जोर दिया है। और इसके लिए नगर निगम की ओर से अब कूड़ा कलेक्शन के लिए निगरानी टीम का भी सिलेक्शन कर लिया गया है और साथ ही पिछले साल देहरादून में 59वीं रैंक प्राप्त की गई थी और इसके बाद से ही नगर निगम ने टॉप रैंक में आने की दिशा में कार्य योजना बनाने का जो प्रयास है वो शुरू कर दिया था। और इसी क्रम में नगर निगम की ओर से बेसिक म्यूनिसिपल वेस्ट वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड संस्था को चयनित किया गया और ये संस्था शुरुआती चरण में 50 वार्डों में कार्य करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि नगर निगम ने सभी कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन के जरिए शुरू करने की तैयारी भी कर ली है। देखिए, हमारा लगातार यही प्रयास रहा है कि स्वच्छता के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए। इसके लिए कई कार्रवाई हुई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी डेवलप किया गया है और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके माध्यम से भी जो हम लोग स्वच्छता का काम करते हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट का काफ़ी प्रयास किया गया है, जहाँ पे कई एरियाज में विजिबल इम्पैक्ट चेंज भी आया है। और यही एक नतीजा है कि पिछले 3-4 सालों में हमारी स्वच्छता रैंकिंग लगातार इम्प्रूव हुई है। लेकिन हमारा प्रयास यही है कि आगे चलते भी जो और मेजर्स लेने हैं जिससे फर्दर इम्प्रूवमेंट आए। पौड़ी में अखिल भारतीय परिसंघ के तत्वाधान में आगामी 5 नवंबर को दिल्ली में महासंविधान जो है बचाओ महारैली होने जा रही है। जानकारी देते हुए उत्तराखंड परिसंघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी शैलजा सिंह आर्य ने बताया कि अखिल भारतीय परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज के नेतृत्व में हर साल लाखों की संख्या में लोग अपने अधिकारों के लिए भी है जो विशाल रैली का आयोजन करते हैं। और यह भी बताया कि वर्तमान में बैकलॉग के रिक्त पड़े पद, प्रमोशन में आरक्षण बहाल आदि तमाम मुद्दों को लेकर आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देवराय की तरफ से संविधान को बदलने की बात सहित अन्य मुद्दों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में 5 नवंबर को महारैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों की संख्या में पूरे देशभर से
बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होंगे और अपने अधिकारों की आवाज भी उठाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लगातार ही दलित उत्पीड़न बढ़ता ही जा रहा है और इसी के ही संदर्भ में 5 नवंबर 2023 को अखिल भारतीय परिसंघ के बैनर तले डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भव्य संविधान बचाओ महारैली का आयोजन होना है। तो आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के समस्त जागरूक लोगों को मैं आह्वान करना चाहूंगी कि आइए और जुड़िए इस रैली के साथ। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहती हूं कि 15 अगस्त 2023 को आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबरॉय जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही करीबी हैं, उनके द्वारा द मिंट पे एक लेख प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय संविधान को बदलने की आवश्यकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही तो वहीं अल्मोड़ा डाक विभाग की अच्छी पहल है। आपको बता दें कि पहली बार दुर्लभ डाक टिकटों का जिला स्तरीय संग्रह की प्रदर्शनी करने का आयोजन करेगा और आपको बता दें कि जिसमें 30 विद्यालयों के विद्यार्थी प्रतिभाग करेंगे और इस प्रदर्शनी में डाक टिकट के इतिहास संग्रह को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके जरिए विद्यार्थियों को टिकटों के इतिहास की भी जानकारी मिलेगी। आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में जनपद के 20 विद्यालय डाक टिकट की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर पहली बार जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य तो यह है कि बच्चों में एक टिकटों की हॉबी को जागृत करना, बच्चों को इसके लिए अवेयर करना कि टिकटों की दुनिया में भी बहुत कुछ है। और इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही है, बच्चों के लिए स्पेशली ये प्रोग्राम है। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे इस क्षेत्र में बच्चों ने मतलब लगभग 30 विद्यालयों के बच्चे इस हमारे प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और जिसमें लगभग 20 बच्चों के तो प्रदर्शनियां भी लग रही हैं और उसके अलावा बच्चों के लिए जो हम कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।